हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऑप्टोमेटिक शानवी रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आंखों से रखी जाने वाली कुछ सावधानियाँ। अगर आप ये सावधानियाँ बरतती हैं अपनी आंखों के, तो आपको आंखों से जुड़ी कई सारी दिक्कतों, कई सारी परेशानियों से वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा। आमतौर पर हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, लेकिन आंखों की केयर करना भूल जाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही हमें खतरनाक आई डिजीज या फिर हमें बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ता है। लेकिन अगर हम कुछ सावधानियां बरतते हैं अपनी आईज केयर में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये वो सावधानियां हैं जो हम आमतौर पर डेली लाइफ में मिस्टेक करते रहते हैं और हमारी आई हेल्थ खराब होती रहती है। उससे पहले, अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके साथ में आई हेल्थ, आई मेकअप, आई सर्जरी, आई डिजीज, ऑप्टिकल ट्रेनिंग, ऑप्टिकल बिजनेस से रिलेटेड सारी वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो सावधानियां जो हमें अपनी आंखों की केयर करते समय बरतनी चाहिए। नंबर वन, अपनी आंखों को वॉश करने से पहले अपनी हैंड को अच्छे से साफ करना, हाथों की अच्छे से सफाई करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब हमें आंखों की सफाई करनी होती है, आंखों में पानी डालना होता है या आंखों को वॉश करना होता है, तो हम डायरेक्ट करने लग जाते हैं, जिससे कि अगर हमारे हाथों पर गंदगी है, बैक्टीरिया है, तो वो हमारी आंखों में जा सकती है और हमें आई इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में आप कभी भी अपनी आई को वॉश करो उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करो, और अच्छे से टॉवल से क्लीन करने के बाद ही आपको अपनी आंखों तक अपने हाथों को ले जाना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नंबर सेकंड, आपको कभी भी अपना स्पेक्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि आमतौर पर हमें आदत होती है कि किसी का भी चश्मा हम लगा लेते हैं, जो आई पावर का स्पेक्स होता है वो फ्रेम की वजह से हम किसी का भी चश्मा लगा लेते हैं। बट आपको अपना चश्मा किसी को नहीं देना चाहिए और आपको किसी और का स्पेक्स भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सबकी आई पावर अलग होती है। ऐसे में नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आई इन्फेक्शन होने का भी रिस्क होता है। इसके अलावा आपको कभी अपना सनग्लास भी शेयर नहीं करना चाहिए। सनग्लासेस अगर आप किसी और का पहनते हो और उन्हें कोई आई इन्फेक्शन हो रहा है, तो चांसेस हैं कि वो आई इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। तो कभी भी आपको अपना सनग्लास किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी आंखों को अच्छे से दिन में 2 बार लगभग पानी से वॉश करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपनी आंखों को इन्फेक्शन फ्री रखना चाहती हैं, आंखों को हेल्दी रखना चाहती हो, तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है उन्हें क्लीन रखना। तो आप अपनी फेस की सफाई करते समय ये ध्यान रखें कि अपनी आंखों को भी अच्छे से जरूर कम से कम दिन में 2 बार वॉश करें। इसके अलावा आपको कभी भी किसी और की टॉवल नहीं शेयर करनी चाहिए। किसी और का टॉवल से अपनी आईज को क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आई इन्फेक्शन फैलने का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आप अपना आई मेकअप भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। आई वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होती है। ऐसे में अगर आप अपना आई मेकअप शेयर करते हो तो इससे आई इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क होता है। तो कभी भी किसी और की आंखों का मेकअप आप यूज ना करें और अपनी आंखों का मेकअप किसी के साथ भी शेयर ना करें। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अपनी आंखों को रब ना करें। मोस्टली अगर हमारी आंखों में कुछ चला जाता है, जैसे कि कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाता है, हमें इरिटेशन होती है
और हम आंखों को मलने लग जाते हैं, बट ये आपको नहीं करना है। और ये हम अपनी ज्यादातर वीडियोस में आपको रिमाइंड कराते हैं, जिससे कि अगर आपकी भी अपनी आंखों को रब करने की हैबिट है तो वो जल्दी से ब्रेक हो सके। क्योंकि अगर आप अपनी आंखें मलते हो तो इससे आई इंजरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कभी भी आपकी आंखों में कितनी भी ज्यादा इरिटेशन क्यों ना हो, आप उन्हें वॉश कर लो वाटर से, लेकिन कभी भी उन्हें मलो नहीं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 1 ईयर में एक बार तो आई चेकअप जरूर करवाना चाहिए। जैसे आमतौर पर हम अपनी आंखों की जो चेकअप होता है तभी करवाते हैं जब हमें आंखों में कोई परेशानी होती है, देखने में कोई दिक्कत महसूस होती है, तभी हम अपना आंखों का चेकअप करवाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार आपको चेकअप करवाना चाहिए, जिससे कि आंखों की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इनिशियल स्टेज में फाइंड आउट की जा सकती है और उसका टाइम पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंड अगर आपके आईज में पावर है तो कम पावर में आप स्पेक्स पहनोगे तो आपका जो चश्मा बढ़ने का होता है वो उतनी जल्दी नहीं बढ़ पाता, और आपको नंबर है आप रेगुलर स्पेक्स यूज नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी जो आई पावर है वो बढ़ जाती है। ऐसे में इन सब चीजों से बचने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा आई चेकअप। तो 1 ईयर में आप अपनी आई स्पेशलिस्ट से विजिट तो जरूर करें, जिससे कि आपकी जो आंखों की केयर है वो अच्छे से की जा सके। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं तो कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस पहन के ना सोएं। जब आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हो तो हमारी जो आंखों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव करें, अपनी आंखों को रिलैक्स करें और उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन जा सके। प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कॉन्टैक्ट लेंस को रिमूव करो। तो ऐसे में आप रात में रिमूव करके सोएं, जिससे कि आपकी आंखों में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और आपको कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से कोई इरिटेशन ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको आंखों में थोड़ी दिक्कत है, आंखों में जैसे आपको इचिंग हो रही है, माइल्ड रेडनेस है या फिर इरिटेशन है, तो ऐसे में हम सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं, कुछ आई ड्रॉप्स ऐसे ही डाल लेते हैं। तो कभी भी आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, ये आपकी आंखों में से जुड़ी परेशानियों को बढ़ा सकता है। तो अगर आपको आंखों की कोई परेशानी है अपने आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, प्रॉपर विजिट के बाद ही आप अपनी आईज की जो मेडिकेशन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई ड्रॉप, आई लुब्रिकेंट जो बेटर होगा आपकी आईज के लिए, वो आपके आई स्पेशलिस्ट देखने के बाद, चेकअप करने के बाद ही आपको गाइड कर सकते हैं। तो कभी भी खुद से कोई मेडिसिन, कोई आई ड्रॉप, कोई आई लुब्रिकेंट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर आईज। थैंक यू।